जीएस के लिए था वो जी। रविंद्र सर है भारती के वहीं पे ही, और फिर उसके बाद में मैं 2 क्लास मैथ की चला है। तो आपका इतना फी कितना लगा तीनों का? तीनों का 12,000 तो उसके गए थे शुरू में, भारती के, मैथ्स के, और फिर 7,000 रुपये है जीएस के। जी। स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आप क्या कहना चाहते? आओ आओ भाई आओ, सब आओ, जिसका मन करे वो आओ, बेफिक्र होकर आओ, ना कुछ है यहाँ से। अगर मैं भी फ्लैट्स रूम देखे होंगे तो आपको उसके मुकाबले ये जो आपका फ्लैट है कितने कम रेंट लगा और कितना कंफर्टेबल लगा? बस थोड़े फर्क है, वहाँ पे वो 15,000 रुपये और यहाँ पे 11,000 रुपये है, सिर्फ 4,000 रुपये का पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंड लाइफ। अभी मैं गांधी विहार में हूँ जो कि मुखर्जी नगर से काफ़ी नज़दीक है, मिनिमम 1 किलोमीटर की रेंज में होगा। तो यहाँ पर UPSC और SSC के बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रेंट है मुखर्जी नगर के मुकाबले थोड़ा सा कम है, इसलिए भैया भी यहाँ रहते हैं, विशाल भैया। तो आज मैं इनके यहाँ आया हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें कवर करने वाले हैं कि भैया दिल्ली में कितने दिनों से रह रहे हैं, कितना इनके फ्लैट का रेंट है, और ऐसी तमाम प्रकार की बातें जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले भैया अपना नाम और आप कहाँ के हैं? मेरा नाम विशाल है और मैं बागपत से हूँ भैया। आप बागपत जी? तो आप यहाँ गांधी विहार में कितने दिनों से रह रहे हैं? करीब आज कितनी तारीख है? 23 दिन ही हो गए जी। हाँ। तो आपको यहाँ, जैसे कि आप दिल्ली में नए आए होंगे तो आपने और भी रूम सर्च किए होंगे, तो आपने गांधी विहार में आके ही क्यों फ्लैट लिया? नहीं, सबसे पहले तो मैं बागपत का नाम सुनते रूम नहीं मिलता जी, और उसके बाद फिर बहुत ढूंढने के बाद हमें ये कमरा मिला, तो हमें फिर इसमें सेटल हो गए। अभी बहुत मतलब सबसे ऊपर मिला हमें। हाँ। और जैसे कि आपने मुखर्जी नगर में भी फ्लैट्स रूम देखे होंगे तो आपको उसके मुकाबले ये जो आपका फ्लैट है कितने कम रेंट लगा और कितना कंफर्टेबल लगा? बस थोड़े फर्क है, वहाँ पे वो 15,000 रुपये और यहाँ पे 11,000 रुपये है, सिर्फ 4,000 रुपये का पड़ता है। उस टाइम हम मतलब भाई भी तीन थे, मतलब तीन दोस्त थे, अब तो फिर भी 5 हो गए हम, तो उस वजह से अब फिर हम 17 रुपये शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब वहीं जा गए अब इधर से। तो आप यहाँ से जैसे कि मुखर्जी नगर जाते होंगे तो पैदल जाते होंगे या रिक्शे से जाते होंगे, तो कितना आपको यहाँ से टाइम लगता आने जाने में? हम जब भी जाए पैदल ही जाते हैं और पैदल ही आते हैं, करीब हम 15 मिनट, बस हद से 15 मिनट लगती है, ऐसे ज़्यादा नहीं लगती। आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया? भाई मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ SSC की। कितने दिन होगा भैया आपको? भाई पहले 2 महीने कर गया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया और फिर से अभी 23 दिन और हो गया भाई, तो मतलब 23 दिन या 2 महीने पहले। आपने अभी तक कोई कोचिंग लिया है या ले रखा है? हाँ है, मेरा SSC भारती का कोर्स चल रहा है। तो आपने जैसे कि आए होंगे दिल्ली में नए नए, तो आपने SSC भारती ही क्यों चुना? ऐसा कोई आपका किसी दोस्त ने प्रेफर किया आपने कि स्टूडेंट से भी लिया? नहीं, मुझे एक भाई ने बताया था कि SSC भारती पे दिया है, मतलब वो थोड़ा 0 लेवल से स्टार्ट करे, तो उसकी वजह से मैंने वही लिया SSC भारती। भैया आप टाइम टेबल क्या फॉलो करते हैं? भाई टाइम टेबल मेरा ऐसा है, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ डेली, और उसके बाद थोड़ा बहुत वॉकिंग घूम फिर के आना, और फिर आके अपनी थोड़ी बहुत डंड वंड एक्सरसाइज करना, फिर अपना दूध फ्रेश व्रेश पहले तो उठ के फ्रेश ही होता हूँ, फिर घूम फिर के अपना खाना वाना कुछ जो भी कुछ है मेरा दूध दाद, और उसे खा के अपना फिर मेरा ऐसे नहा धो के 9 बजे मैं घर से निकल लूँ क्लास के लिए, और फिर मेरी 3 क्लास चलती है 9:30 से 10:30 और फिर 11:30 से 12:30 और फिर 2:30 से 3:30। उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ घर, घर आके फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, रिलैक्स हुआ, आराम किया, और फिर घूमा फिरा, फिर शाम को आके फिर मुझे पढ़ना पड़ता है, 12 बजे तक मेरी क्लास चले मतलब पढ़ाई घर पर। जैसे कि आप SSC की फील्ड में आए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक मोटिव होता है कि मैं SSC से या जो बनूंगा, जिस पद पर भी जाऊंगा तो मैं समाज के लिए करूंगा, आपने ऐसा कुछ सोचा है? भाई हमें तो इतना है, नौकरी लग जाए वही बहुत है, मैं तो समाज का तो खैर जी नौकरी लग जाएगी हो ही जाएगा, अपने तो जो भी बनेगा वो करेगी भाई, जो मेरे को होगा, फिलहाल तो नौकरी चाह रही जी। जैसे कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट भी हो जाते होंगे, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं जब दिल्ली आया हूँ तो मुझे पढ़ना है, घर वालों को याद करते हैं, मम्मी पापा को क्या करते हैं? भाई यार तो घर घर पहला कह रहे इम ना पढ़े, फिर मेरी उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है, तो पैसा लगा सके करके भाई हमें पढ़ना तो पड़ेगा यहाँ से आएगा, तो बस थोड़ा दिमाग में ही आवे ना कुछ या के होगा, मगर जो भी होगा ठीक ही होगा तो पढ़ ले। जैसे कि आपने बताया भैया आप 3 कोचिंग लेते हैं, तो जैसे कि आप 3 कोचिंग किस किस चीज़ की लेते हैं? मैं सबसे पहले तो GS की लेता हूँ, रविंद्र सर है भारती के वहीं पे ही, और फिर उसके बाद में मैं 2 क्लास मैथ की चला है। तो आपका इतना फी कितना लगा तीनों का? तीनों का 12,000 तो उसके गए थे शुरू में, भारती के, मैथ्स के, और फिर 7,000 रुपये है GS के। जी। जैसे कि आपने इतना सारा पैसा अपना दे रखा है कोचिंग्स में, तो आपको क्या लगता है कि मेरा पैसा फालतू नहीं जा रहा है, फैकल्टी वो कितनी सपोर्टिव है? नहीं फालतू जा भाई, वसूल करेंगे अपना रुपया जी। हाँ जब पैसे दिए तो पढ़ेगा तो भाई तो हो जाएगा भाई पढ़ेगा। तो आपको वहाँ के टीचर वगैरह कैसे लगते हैं कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं अदर कोचिंग्स का अपेक्षा? हम भाई भारती तो ढेर बढ़िया पढ़ा हुआ है, रविंद्र की भी मैंने थोड़ी मतलब 2-3 दिन से क्लास ली, अभी उसका इतना पता नहीं, लेकिन वो अच्छा पढ़ा हुआ है रविंद्र सर भी।
तो जैसे कि अभी आप मुखर्जी नगर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि क्राउड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि ये नया कोई वायरस आया है इंडिया में, ओमिक्रोन ऐसे कुछ नाम है, तो आपको क्या लगता है कि अब दिल्ली आना कितना सेफ़ है? जो नए स्टूडेंट दिल्ली आना चाहते हैं तो आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं तो नहीं कहूँगा भाई, जो पढ़ना होगा पढ़ी लियो, और कुछ नहीं यहाँ से सब बहन है, सरकार है तो कभी कुछ करेगी कभी कुछ, कुछ नहीं होने का यहाँ से, सब बढ़िया चल रहा है, कहीं नहीं है कोरोना वोरोना। जो स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आप क्या कहना चाहते आओ हैं? आओ भाई आओ, सब आओ, जिसका मन करे वो आओ, बेफिक्र होकर आओ, ना कुछ यहाँ से ओके थैंक कोई यू भाई। दिक्कत नहीं।